कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार साउथ क्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बेलीपार थाना क्षेत्र के सेवई बाजार चौराहे पर थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों और बिना हेलमेट और दो पहिया वाहनों पर 3 लोगों की सवारी पर चालान काटा गया। इस दौरान SI शेर बहादुर यादव, SI सुधीर कुमार, कांस्टेबल धर्मेंद्र सुनील सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, एक अभियान चल रहा है, 4 बिंदुओं पे है। जो कोविड एक्ट के जो संशोधन उसमें हुआ है, उसमें 15 धारा जो 15 है उसमें संशोधन हुआ है, जिसमें चालान की समन करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसी पे हमारे साउथ क्षेत्र में सभी थानों पे अभियान चलाया गया है और उस पर कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है। इसमें पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो मास्क लगाएंगे और दो सवारी और ये जितने भी है जो कंडीशनल उसमें वो है उसको फॉलो करेंगे। सर, जो दुकानदार अपने दुकान के सामने फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सभी SHO SO को बताया गया है, वो करेंगे। इंक्रोचमेंट नहीं होना है, दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है और जो निर्धारित दिवस है अल्टरनेट डे, उसी दिवस पे ही वो दुकानें खुलेंगी।